Hello, welcome. This is 180 News and I am Akash. As the crucial Gujarat Assembly elections has commenced, One India visited the Gujarati market in New Delhi's Janpath Road to get a sense of what the people of Gujarat settled in the national capital have to say about the Gujarat's development. What we found out is that most of the people here are happy with the present BJP government in the state and think that the BJP should come to power. Hear what people have to say. Before 22 years, जब कांग्रेस ने शासन छोड़ा और जब बीजेपी से इन सत्ता में आई, उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे। पहले ज़्यादातर कांग्रेस एक पॉलिटिक्स उनकी जो एक है वो एक जातिगण के ऊपर ही उनकी पॉलिटिक्स होती है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जो गुजरात को जो डेवलपमेंट दी है वो उनके आने के पहले नहीं थी, और अभी वहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है इस चीज़ के लिए। उधर के लिए तो ठीक है, बाकी इधर के लिए बहुत कम है। गुजरात में क्या होना? गुजरात में तो ठीक है, गुजरात में मतलब डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है। तो वहाँ पे विमेन के लिए सेफ्टी है? हाँ है, वहाँ पे है। जो भी वहाँ पे भी जैसे आप लोग जैसे बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे जो बिजनेसमैन है, तो जीएसटी हुआ है, नोटबंदी हुआ है, उन लोग कोई प्रॉब्लम हुआ है या गुजरात में बिजनेस करना दिल्ली से इजी है? यहाँ से तो वहाँ इजी है। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी को ही रहना चाहिए? हाँ ठीक है, उधर के लिए ठीक है, बाकी इधर के लिए हम नहीं कह सकते। इधर के लिए नहीं कह सकते दिल्ली, हाँ यहाँ पे ठीक है। हाँ, गुजरात में क्या ऑल वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए, बीजेपी को आना ही नहीं चाहिए। बीजेपी के आने के बाद सब परेशान है जीएसटी से, बिजनेस बिल्कुल 0% हो गया। कांग्रेस के टाइम में बहुत बिजनेस था। नहीं आना चाहिए, खाली खाली बीजेपी का जुमले हैं और कुछ नहीं। गुजरात में जो डेवलपमेंट हुई है वो और स्टेट्स के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। वहाँ पे रोड्स बहुत अच्छी गए हैं। मैं भी रिसेंटली लास्ट मंथ गया था, तो बहुत अच्छी रोड्स, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी और फैक्ट्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा। किसी ऐसा कोई भी मतलब गाँव नहीं है जहाँ मतलब रोड्स अच्छी ना हो। मैं बहुत से गाँवों में गया घूमने, तो बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत अच्छा। अच्छा, वहाँ पे भी जो ट्रेडर्स है, जो स्मॉल और मिडिल स्केल बिजनेसेस है, जीएसटी या नोटबंदी के कारण वहाँ पे कुछ तकलीफ नहीं हुआ? नहीं, तकलीफ हुआ है, लेकिन कोई भी किसी भी बड़े उसको इम्प्लीमेंट होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। द पीपल सेड दैट द बीजेपी गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड टू द प्रॉमिसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड दैट जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन हैव नॉट इफेक्टेड देम एडवर्सली। They pointed out that the roads have been built and now the state has proper water supply as opposed to the time of the Congress regime. While most hooted for the BJP, a few felt that the Saffron party failed to improve Gujarat's condition much and the common man has to bear the burden of GST and demonetization, and also said that this election is going to throw BJP out of power. Well, that's all for now, but for more news and updates, log on to oneindia.com and please don't forget to like and share this video. Also, don't forget to subscribe to One India News channel.